बढ़ाएंगे। महाप्राण ध्वनि के दौरान पूरे मस्तिष्क में प्रकंपनों का अनुभव करें, न्यूरॉन्स के सक्रिय होने का अनुभव करेंगे। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा, अंगूठों के द्वारा कान को बंद करें, उंगलियां आंख से नाक के दोनों ओर, होंठ के दोनों, 9 बार महाप्राण ध्वनि। श्वास भरेंगे, भरे श्वास, शांत संपीक भई पापा गा मा परम संपीक पग मा आत्मा की द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प मेरे बाद आप भी दोहराएं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। एक बार मानसिक रूप से भी दोहराएं, पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ। कायोत्सव, शरीर को प्रतिमा की भांति स्थिर रखें, अडो, कोई हलन चलन।
शरीर की स्थिरता को साधे। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दो। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, पूरी जागरूकता से पैर से लेकर सिर तक शरीर के एक एक अवयव को सुझाव दे। रिलैक्स हो जा, हो जा, हो जा। रिलैक्स हो जा, एक अवयव को पूरी जागरूकता से सुझाव। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अनुभव करें, शरीर रिलैक्स हो रहा, शरीर की पकड़ छूटती जा रही है, शरीर हल्का हल्का होता जा रहा है, कहीं कोई अकड़न जकड़न खिंचाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर की पूर्ण स्थिरता और शिथिलता से ही अंतर जगत में प्रवेश संभव है। शरीर पूरी तरह से स्थिर और तनाव मुक्त हो जाए, शिथिल हो जाए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरे ध्यान काल तक शरीर की स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता बनी रहे। शरीर प्रेक्षा शरीर के एक एक अवयव को देखेंगे। ये शरीर करोड़ों करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है। एक एक कोशिका में प्रकंपन हो रहा है, एक एक कोशिका में विद्युत संचालित है, इलेक्ट्रिसिटी संचालित है। एक एक कोशिका हमारी स्पंदित हो रही है। एक एक अवयव पर चित्त को ले जाएंगे, उसकी एक एक कोशिका में चित्त को फैलाएंगे। प्रत्येक कोशिका में रोम रोम में होने वाले प्राण के कंपनों का, चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं, दाएं अंगूठे पर केंद्रित करें,
अच्छा पूरे अंगूठे में चित्त की यात्रा चल। देखें ऊपर की चमड़ी, चमड़ी के भीतर हमारा मांस हड्डी सभी चीजें कोशिकाओं से ही निर्मित है। हड्डी मांस खून की नलियां नाड़ियां अंगूठे के भीतर भीतर जाए। देखें रक्त संचार हो रहा है, नाड़ियों में संवेदन है, एक एक कोशिका प्राणवान है, उसमें प्राण ऊर्जा संचालित हो। पूरे अंगूठे में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव है। पूरी जागरूकता और एकाग्रता बनी है, केवल देखिए प्रियता है, प्रियता से मुक्त रहकर जो कुछ भीतर हो रहा है उसे देखिए। अनुभव कर प्राण संचालित हो रहे हैं, प्राण सक्रिय हो रहे हैं, केवल स्पंदन ही स्पंदन, प्रकंपन ही प्रकंपन। आगे बढ़े दाएं पैर की पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, केवल देखें, केवल देखें। शरीर के एक अवयव को देखिए, अवलोकन करें। पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, देखते चले जाओ, देखते चले। कुछ क्षण हर अवयव पर रुकिए, वहां के स्पंदनों का, प्रकंपनों का अनुभव है। यही प्राण के प्रकंपन है, चैतन्य के प्रकंपन है। आगे बढ़े टखना, पिंडली, घुटना, पाथल, कटिभा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। एक एक अवयव की प्रेक्षा करें, वहां जो कुछ भी दिख रहा है या अनुभव हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहें। केवल देखें और अनुभव करें। न प्रियता न अप्रियता, जो वास्तविक है उसे केवल देखें और जानें। इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे से लेकर कटी भाग तक एक एक अवयव की प्रेक्षा करें।
और आगे बढ़े, कमर से लेकर कंधे तक का पूरा भाग, पेड़ू पेट के भीतरी अवयव सारे अंग, किडनी, बड़ियां, छोटियां, अग्नाशय, आमाशय, द्वाशय, जीवा, एक एक अंग केवल देखते चले जाए। प्रत्येक अंग का अपना प्रकंपन है, अपनी बीट है। शरीर केवल कोशिकाओं का एक पिंड है, ऊपर चमड़ी, भीतर मांस, हड्डी, मांसपेशियां, खून की नलियां, नाड़ियां और उसमें होने वाले प्रकंपन। एक-एक कोशिका को देखिए, केवल प्रकंपन। छाती का पूरा भाग, भीतरी अवयव, हृदय, फेफड़े, पसलियां, केवल देखिए, केवल जाने, केवल न प्रियता न अप्रियता, न राग न द्वेष, पेट का पूरा भाग, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, जहां चित्त जा रहा है वहीं प्राण सक्रिय हो रहे हैं। पूरी जागरूकता से एक-एक अवयव पर चित्त को ले जाए। जहां चित्त वहां प्राण, प्राण यानी चैतन्य, पूरा दायां हाथ, अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधा, एक-एक अवयव पर चित्त की यात्रा करें। रुकें, कुछ क्षण रुकें, देखें। इसी प्रकार पूरा बायां हाथ, गर्दन, आगे पीछे चारों ओर गर्दन का भाग, कंठ, स्वरयंत्र, केवल प्रकंपन ही प्रकंपन, न विचार, न विकार, न विकल्प, केवल प्रकंपन ही प्रकंपन, प्रकंपन चेहरे का पूरा भाग, एक-एक अवयव, टूटी सौ मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, केवल चित्त को ले जाए। वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव कर, दाया कपोल, बाया कपोल, पूरी जागरूकता से देखिए। ऊपर चमड़ी है, भीतर मांस, मांस में बहुत सारी खून की नलियां, नाड़ियां, मांसपेशियां और प्रत्येक अंग में होने वाले प्रकंपन, प्रकंपन ही ये प्राण, ये चैतन्य,
हमारे शरीर को सक्रिय किए हुए, जीवंत रखे हुए, अनुभव करें उत्थान के प्रथम पल। दाई कनपटी दाया कान, बाई कनपटी बाया कान, ना दोनों आंखें, ललाट और मस्तिष्क। पैर से लेकर सिर तक पूरा शरीर प्रकंपित हो रहा है, प्रकंपन ही प्रकंपन, प्रकंपन ही प्रकंपन। चित्त को दोनों अंगूठों पर केंद्रित करें, शरीर के आकार में पूरे चित्त को फैलाएं, शीघ्रता से पैर से सिर और सिर से पैर तक की यात्रा करें, चित्त की पूरे शरीर में यात्रा करें, पैर से सिर, सिर से पैर, शीघ्रता से। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पूरे शरीर में चित्त फैला हुआ, पूरा शरीर प्राण के प्रकंपनों छंकृत हो रहा, मानो पूरे शरीर में बिजली का करंट दौड़ रहा। बीच बीच में श्वास को रोक के केवल प्रकंपनों को अनुभव करें, पूरा शरीर प्रकंपित हो रहा है। अच्छे अनुभव के लिए खड़े होकर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर पूरे शरीर में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव, मानो पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही, बीच बीच में श्वास रोके अनुभव कर, केवल प्रकंपन ही प्रकंपन, प्रकंपन ही प्रकंपन। कपड़ा, पसीना, खाज, खुजली, कोई भी अनुभव हो तो उसे केवल देखें, केवल अनुभव करें। प्रियता, अप्रियता से मुक्त होकर समभाव से एक एक स्पर्श का अनुभव करें। कपड़े का स्पर्श, खुजली, खाज, दर्द, झंझनाहट, जो कुछ भी हो रहा, केवल देखें। धीरे धीरे चित्त की यात्रा को मंद करें, धीरे धीरे चित्त की यात्रा को मंद करें। कहीं कोई दर्द है, पीड़ा है, अवरोध है, तो वहां कुछ समय रुकें, केवल संभाव से देखें।
पीड़ा अवरोध स्वतः ही विसर्जित हो जाए। केवल देखिए, ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ललाट के मध्य भाग से भीतर मस्तिष्क के बीचों बीच ज्योति के चमकती हुई श्वेत रश्मि का ध्यान करें। मस्तिष्क के भीतर चमकती हुई श्वेत रश्मि धीरे धीरे श्वेत प्रकाश पूरे ललाट में फैल रहा है। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद। दो तीन लंबे श्वास लें। धीरे धीरे सहज स्थिति में लौट आए। वर्तमान में लौट आए। अपना सच में से मैं सिंह हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री कर। आहन सुविजार चरणं पमोपं। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन कर। दोनों हाथ हृदय के पास आनंद केंद्र पर जुड़े हुए पूरी तन्मयता और श्रद्धा से मेरे साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणं पवज्जां सिद्धे शरणं पवज्जां साहु शरणं पवज्जां केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जां। वंदन आसन में आ जाए। तीन बार सत्य को वंदन करेंगे। वंदे सच्चम वंदे सच्चम वंदे सच्चम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे श्री अपनी आंखें खोलें। ओम अर्थ ओम अर्थ ओम।